एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक हसनपुर में स्थित माचरा भगवानपुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव के प्रधान अमरपाल हैं। लगभग 2800 जनसंख्या व 1200 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है, लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण गांव में काफी मूलभूत सुविधाओं की कमी देखने को मिल रही है। जैसे कि गांव में आज भी 50 वंचित राशन कार्ड लाभार्थी हैं। साथ ही गांव में 5 विधवा पेंशन, 30 वृद्धा पेंशन व 4 विकलांग पेंशन लाभार्थी वंचित हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 80 बच्चे अध्ययनरत हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में 26 हैंडपंप, 26 विद्युत पोल व 4 विद्युत ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं। वर्तमान ग्राम प्रधान की देखरेख में गांव में सीसी टाइल्स रोड, खडंजा, पानी निकासी के लिए नाली, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 238 इज्जत घर का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में खडंजा, सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, पानी की टंकी, आंगनबाड़ी केंद्र, जूनियर हाई स्कूल, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की। मैं ग्राम प्रधान अमरपाल सिंह, ग्राम पंचायत माचरा भगवानपुर। जो मेरे यहाँ की विभिन्न समस्याएं हैं, एक मेन समस्या यह है हमारे गांव पंचायत का नक्शा गायब है, जिसमें कुछ तालाबों पर और चक्रोड़ों पर जमीनों का विवाद है, और जो ग्राम समाज हैं वो दबी पड़ी हैं, ताकि जो हमारे विकास कार्य हैं, जैसे हमारे यहाँ स्कूल एक कक्षा 5 तक का एक गांव में बिल्कुल नहीं है, स्कूल मिल जाए, आंगनबाड़ी केंद्र हमारे यहाँ नहीं है, जो स्कूल में ही चलाए जा रहे हैं, वो हमारी समस्याएं दूर हो जाएं। और जैसे हमारे राशन कार्ड हैं, जो पहले ग्राम पंचायत एक जगह लगी हुई थी 4 गाँवों की, अब वो अलग अलग हो गई ग्राम पंचायत, उसमें दूसरी ग्राम पंचायत में हमारी ग्राम पंचायत के राशन कार्ड काट के वहाँ के अपात्र लोगों के बना दिए गए, हमारे पात्र लोग उससे राशन मिलने से वंचित रह गए। और जो भी हमारी अभी शासन से इतना पैसा नहीं मिल पा रहा जो हम अपनी सड़कों को थोड़ी सी दुरुस्त करा सकें, ये हमारी विभिन्न समस्या।